पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा और फिर अफगानिस्तान से मिलाने वाला अटक का पुल, जिसके एक जानिब कभी हिंदू और दूसरी जानिब दूसरी कौमें आबाद थीं। कहा जाता है कि हिंदू किसी दूसरी कौम को ये दरिया, जिसे वो नीलाब कहते थे, पार नहीं करने देते, और अगर कोई हिंदू नीलाब को गलती से पार कर जाए तो उसे हिंदू मत में दोबारा शामिल होने के लिए दोबारा अपना मजहबी अमल दोहराना पड़ता। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दरियाए सिंध हिंदुओं के लिए बहुत अहम मजहबी हैसियत रखता है। दरियाए सिंध, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से ज्यादा है, दुनिया का लंबा तरीन दरिया है। इसे अबासीन भी इसीलिए कहते हैं कि ये तमाम दरियाओं का बाप है। ये दरिया जिस पानी से निकल रहा है वो मुकाम तिब्बत की झील मानसरोवर है, जो माउंट कैलाश के साथ वाकई है। हिंदुओं के मुताबिक माउंट कैलाश लॉर्ड शिवा का घर है, जहां वो अपने खानदान के साथ रहते हैं। 6500 फुट से जायद ऊंची इस पहाड़ी को आज तक सिर्फ एक शख्स के अलावा कोई सर ना कर सका। हिंदुओं के मुताबिक यहां पर वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, जबकि इसी इलाके के बायस यहां दो झीलें मानसरोवर और राकेश ताल वजूद में आईं। हिंदू इन दोनों को नेकी और बदी से तशबीह देते हैं। हिंदू इसका पानी पीते हैं और इसमें नहाते हैं, वो इसलिए कि उनके सारे गुनाह धुल जाएंगे और मौत के बाद शिवा के घर उनकी मुलाकात होगी। ये पानी इस झील से निकलने के बाद लद्दाख से होता हुआ गिलगित बल्तिस्तान पहुंचता है, जहां से पहाड़ों का सफर करते करते अटक के इस मुकाम पर पहुंचता है, जहां पर इसमें दरियाए काबुल मिलता है और फिर ये पंजाब में दाखिल होते हुए बलूचिस्तान ठट्टा के मुकाम से बहीराए अरब में जम हो जाता है। दरियाए सिंध हिंदुओं का मुकद्दस दरिया सही, लेकिन ये एक अटल हकीकत है कि इस दरिया का निस्फ हिस्सा पाकिस्तान को सिराब करता है, और यही बात पाकिस्तान को लाजवाल बनाती है कि हिंदू मजहब के देवता भी पाकिस्तान को ज्यादा पसंद करते हैं। हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुस्तकबिल में इस जैसी और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।